कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से नहीं भाग सकते। जी हां, सीएम के आदेश के बाद जिन लोगों ने भी कोरोना की पहली डोज नहीं ली है उन्हें चिन्हित कर पुलिस के माध्यम से बुलाकर कोरोना की पहली डोज देने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम में डॉक्टर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगाने आनाकानी कर रहे हैं उनको पुलिस विभाग के आला अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इसी के सापेक्ष लोगों को पुलिस थाने पर लाकर कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि अकेले अकोला सर्कल में 450 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना की पहली डोज नहीं ली है। पुलिस उन लोगों के नंबर एकत्र कर रही है जिन लोगों ने आज तक कोरोना की पहली डोज भी नहीं लगाई है। अभियान के तहत करीबन 150 लोगों को कोरोना की पहली डोज पुलिस के माध्यम से लगाई गई। ये राज्य सरकार का ही कार्यक्रम है और जो लोग कई लोग जो स्वेच्छा से मान सकते हो या किसी कारणों की वजह से ना आ पाए तो इनके साथ सरपंच साहब के साथ और लोकल जनप्रतिनिधियों के साथ लेके और पुलिस का भी सहयोग बीट कांस्टेबल द्वारा भी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको मोटिवेट करके और उनको घर घर जाके और आज मेगा वैक्सीन जो कैंप लगाया गया थाने में लाया जा रहा है और अधिकतम टीकाकरण करवाया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। अभी कितने लोगों ने अभी तक जैसे यहाँ अकोला में 450 के लगभग लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, कुछ लोगों ने प्रथम डोज भी नहीं ली थी, तो उसमें से अभी तक शायद 150 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और बाकी लोग बैठे हैं लाइन में, तो आज अधिक से अधिकतम करवाने की कोशिश चल रही है।